नमस्कार, मैं संजना भारद्वाज आज बनाने जा रही हूँ फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम को मैं इजी तरीके से घर पर ही बनाऊंगी। और फ्रेश क्रीम का यूज हम सबसे ज्यादा आइसक्रीम बनाने में, केक बनाने में, दाल मखनी में यूज करते हैं, तो इसको घर पर बनाकर इजी तरीके से रखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएं। ये लिया है मैंने घर की मलाई, जिसको मैंने फ्रिज में रखा था, और ये लिया है मैंने बॉयल किया हुआ 1 गिलास दूध। इसके ऊपर भी मलाई आ गई है, जिसको भी मैंने फ्रिज में रखे रखा। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मलाई को डाल लेते हैं, फिर दूध को भी डाल लेते हैं। हमें फ्रेश क्रीम बनाने से पहले मलाई और दूध को फ्रिज में ही रखना है, बिल्कुल हमको ये चिल्ड चाहिए। मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर रही हूँ, आप चाहें तो हैंड बीटर से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करूंगी। देख सकते हैं हमारी क्रीम काफी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए हाई स्पीड पर बीट करेंगे। तो इस तरह से हमारी फ्रेश क्रीम बनकर तैयार है। तो अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी क्रीम काफी अच्छी बनी है, मार्केट से भी अच्छी। आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो यूजफुल लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को टिक कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।